बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब आज क्या करना है कि इस लेक्चर के अंदर हम HTML के फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स देखेंगे। देखिए, फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और क्या काम करते हैं, तो उसको स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह सारे फॉर्मेटिंग टैग्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, सॉरी नॉट टैग्स, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आके मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। फिलहाल के लिए मैंने ये वाले जो मैंने लास्ट टाइम किया पढ़ा दिया। देखिए, यहाँ पर कुछ टैग्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो कि उस टैग के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो अब कितने किस्म के एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, सबसे पहला एलिमेंट मैं यहाँ पहले एक हेडिंग लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, HTML फॉर्मेटिंग। ठीक है, HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे आपने इस हेडिंग को बंद कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पहले यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल, मैंने पैराग्राफ बनाया और पैराग्राफ के अंदर लिखा माई नेम इज अब्दुल बासलम। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे चाहता हूँ मैं कि यहाँ पे मेरा जो नाम है वो बोल्ड हो जाए। तो बोल्ड के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके बी का टैग ओपन करूंगा, बी फॉर बोल्ड, बी इस्तेमाल होता है फॉर बोल्ड। ठीक है, आप बोल्ड करना चाहते हैं और कहाँ तक करना चाहते हैं उसके बाद आप यहाँ पर टैग क्लोज करते हैं। मैंने कहा नाम के बाद वो क्लोज हो जाए ऐसे। ठीक है, सेव करिए इसको और रन करके देखते हैं। मैंने इसको आके यहाँ पे रिफ्रेश किया, सॉरी यहाँ पर है वो, तो देखिए क्या हुआ, यहाँ मेरे पास आ गया अब्दुल बासित अमीन क्या हो चुका है, बोल्ड हो चुका है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद आपके पास बोल्ड और एक और टैग होता है जो कहलाता है स्ट्रॉन्ग का टैग। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ और इस तरह से करके मैं एक हेडिंग बनाता हूँ H3 क्लोज किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि कौन सा वाला टैग है। मैंने ये लिख दिया यहाँ पे बोल्ड। ठीक है, इसके बाद मैंने इसी को कॉपी करा और यहाँ मैं लिखता हूँ इसको कि ये स्ट्रॉन्ग है। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड दोनों किसके लिए होते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने इसको कॉपी करा यहाँ से और इसको मैंने ऐसे पेस्ट करके इस पे यहाँ पे क्या लगा दिया, स्ट्रॉन्ग लगा दिया। और यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कॉपी किया यहाँ से और यहाँ लाके मैंने इसको पेस्ट करके यहाँ पे स्लैश लगा दिया, सेव किया। अब इसको देखें, कोई फर्क नहीं मिलेगा आपको इसके अंदर। देखिए, दोनों सेम है। देखिए, ये बोल्ड के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए। अब उसके बाद जब आप बोल्ड और स्ट्रॉन्ग से आगे बढ़ते हैं तो आपके पास और बहुत सारे हैं। अब एक और टैग याद रखिएगा, एक और टैग होता है जो कहलाता है इटैलिक का टैग। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H3 के अंदर दोबारा और यहाँ मैं लिख देता हूँ इटैलिक। इटैलिक के लिए अब क्या करते हैं, मैंने इसी को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया और इटैलिक के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है, जो 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 टैग इस्तेमाल होता है, वो टैग होता है आए का। आपने इसको यहाँ पे भी लगा दिया और ऐसे आपने यहाँ पे लगा दिया, सेव किया, रन करके देखिए। ये देखिए, आपके पास इटैलिक हो चुका है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा इटैलिक के साथ एक और होता है जो कहलाता है एम्फसाइज का टैग। एम्फसाइज जो है वही है। ठीक है, आप यहाँ पे आके लिखिए, मैंने यहाँ पे लिखा इसको मैंने ईएम लिख दिया। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही ईएम लिखा और उसके बाद मैंने नेम कॉपी करा, यहाँ लाके पेस्ट किया इसको और यहाँ मैंने कर दिया इसको ईएम और यहाँ मैंने कर दिया ईएम। देखिए, यहाँ कोई फर्क नहीं होगा इसके। ठीक है, ये देखिए, आगे चलते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है एक और टैग जो कहलाता है स्मॉल का टैग। अब स्मॉल का टैग क्या करता है वो देखते हैं। ठीक है, यहां मैंने आके लिखा कॉपी करा इसको, यहां लाके पेस्ट किया और यहां मैंने लिख दिया इसको स्मॉल। इसको मैंने कॉपी किया दो मरतबा, मैंने मैं यहां पेस्ट करूंगा। एक तरह मैंने क्या किया, इसको सब कुछ हटाकर नॉर्मल उस पर रखा और एक जगह मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया स्मॉल और यहाँ पे मैंने कर दिया स्मॉल, सेव किया। फर्क देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर इसने क्या करा, उस टेक्स्ट को छोटा कर दिया। ठीक है, माय नेम तक बिल्कुल सेम आ रहा है, अब्दुल बासित से क्या कर दिया, साइज को छोटा कर दिया। स्मॉल का टैग क्या करता है, साइज को छोटा कर देता है।
ये सारे जो हैं ये फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद और कौन सा टैग होता है जो इस तरह से काम कर रहा है? ये थोड़ा इजी है, इसमें से मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, अगर किसी को मस्ता लगे तो मुझे रोक के पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद एक और टैग होता है जो कहलाता है मार्क का टैग। मार्क टैग को मैंने कॉपी करा यहाँ से अपने टेक्स्ट को, और यहाँ से मैंने स्मॉल हटा दिया, यहाँ मैंने मार्क टैग को क्लोज करा, इसी को मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ लाके मैंने इसको पेस्ट किया और इसको मैंने ऐसे कर दिया, सेव किया, रन करके देखते हैं इसको जरा गौर कीजिए क्या होता है। ये देखिए मार्क का टैग ये हाईलाइट कर देता है, ठीक है। अब उसके बाद एक और टैग होता है जो कहलाता है डिलीट का टैग। दोबारा कॉपी करते हैं इसको, यहाँ लाके पेस्ट करते हैं और इसको कर देते हैं डीएल। इसको यहां से कॉपी करा, यहां लाके पेस्ट किया और यहां इसको कर देते हैं डीएल। डीएल सेव किया, रन करके देखते हैं इसको तो देखिए डिलीट इस तरह से आता है, ये पूरा टेक्स्ट को डिलीट कर दे। अच्छा भाई, डिलीट के बाद आता है आपके पास, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से पेस्ट करता हूँ, जो एक और टैग होता है उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर आपके पास दूसरी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। एक और टैग होता है जो कि इंसर्ट का या INS कहला रहा है, ठीक है। अब वो किस तरह से काम करता है, वो क्या करेगा, आपको उस चीज़ को खाली स्पेसिफिक अंडरलाइन करके देगा। मैंने यहाँ पे आके लिखा, पहले मैंने इस जगह पे लिख देता हूँ INS, ठीक है। और अब ये किस तरीके से करेगा अभी जरा गौर कीजिएगा। मैंने यहाँ पे आके लिखा, इसी को मैंने कॉपी करा, यहाँ लाके पेस्ट किया और इसको मैं फिलहाल डिलीट रहने देता हूँ, और जरा गौर कीजिएगा। मैंने यहाँ से ये बासित को क्या किया, इस जगह पे INS कर दिया, और इसको मैंने यहाँ से क्या किया, इस जगह पे इसको क्लोज किया, और यहां से मैंने क्या किया, इस जगह से डिलीट को मैंने यहां से कट किया और यहां लाके मैंने इसको पेस्ट किया, ठीक है। अब जरा गौर कीजिएगा क्या होता है। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखें उसने क्या किया, अब्दुल को कट कर दिया, बासित को अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो जो कि उसका टैग था ये आपके पास अंडरलाइन। अच्छा, अंडरलाइन को आप यू से भी कर सकते हैं, खाली खाली आप यू लिखेंगे तब भी वो अंडरलाइन हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब उसके बाद आता है आपके पास सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, वो किस तरह से काम करते हैं उसको देखते हैं। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करा, पेस्ट किया, इसको कर देते हैं सब स्क्रिप्ट, ठीक है। ऐसे किया, इसको कॉपी किया यहाँ से, यहाँ पर के इसको नहीं करते, यहाँ से कुछ और लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे, आपने क्या करा इस जगह पे, मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे कि पैराग्राफ के अंदर मैंने पैराग्राफ के टैग को क्लोज करा और यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया टू, ठीक है, एंड एंड लिख दिया, और एंड के दरमियान मैंने यहाँ पे लिखा ऐसे SUB ओपन किया और SUB को बंद कर दिया, ऐसे किया और इसको चला के देखते हैं। अब रन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखें नीचे आया वो होगा, ये देखिए इस तरह से नीचे से होकर आ, ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद क्या है आपके पास, सुपर स्क्रिप्ट बिल्कुल सेम तरीके से काम करता है। इसके बाद सुपर स्क्रिप्ट है, मैंने इसको यहां से कॉपी किया, यहां पेस्ट किया और इसको मैंने यहां पे कर दिया, वो कैसे होता है इसको देखते हैं। यहाँ मैंने कॉपी किया इसको, यहाँ से यहाँ पेस्ट किया और यहाँ पे इसको मैंने SUP कर दिया, यहाँ पे भी SUP कर दिया, सेव किया, रन करते हैं, रिफ्रेश किया, ये देखिए आपके पास ये सुपर स्क्रिप्ट, सही है भाई, ये आपके पास इसके अंदर क्या, ये सारे फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स का।